एक बात है, तुम लेडीज रिंग पहन कर बड़े प्यारे लग रहे थे, क्यों बाबा? अच्छा बाबा, गलती होगी ना, जस्ट शट अप। तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दो। हाय फ्रेंड, मैं हूँ फहीम और आज आपको मुंबई के बैंड्रा वेस्ट में लेके आ चुका हूँ दोस्तों। और यहाँ पर एक फेमस शूटिंग लोकेशन आज मैं आपको दिखाने आया हुआ हूँ दोस्तों। 1993 में करीब 29 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डर, शाहरुख खान की एक बेस्ट फिल्म जिसके अंदर उनको उनकी एक्टिंग का एक अलग ही रुतबा है दोस्तों। वो फिल्म बनाने के बाद उनको एक्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाना गया और उनको एक से एक अवार्ड मिले। उसी फिल्म के कुछ सीन इस जगह पर रिकॉर्ड हुए थे दोस्तों, आज जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, फिल्म 1993 की है और अभी 2022 चल रहा है, तो हम 29 साल बाद आज ये लोकेशन पर आए हैं, ये जगह पर आए हैं जो मुंबई के बैंड्रा वेस्ट में है, पोपली ज्वेलर्स। और आज देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि करीब इन 29 सालों में शाहरुख खान सर तो कहां से कहां पहुंच गए हैं और इस एरिया में कितना डिफरेंस हुआ है दोस्तों, आज हम आपको वो सब दिखाने वाले हैं दोस्तों। डर फिल्म आज से 29 साल पहले इसी जगह पर रिकॉर्ड हुई थी दोस्तों। मेरे पीछे आप एक जगह देख पा रहे हो, जो पीछे आप पोपली शोरूम देख रहे हो, जो एक ज्वेलर्स की शॉप है दोस्तों। ये वही शॉप है जहाँ पर सनी देओल सर और जूही चावला आती हैं अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए दोस्तों। 29 साल के बाद आज हम आपको ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये जगह दिखा रहे हैं, ये सिग्नल दिखा रहे हैं दोस्तों। फिल्म डर के अंदर बहुत सारे सीन रिकॉर्ड किए गए हैं और उसका एवरी मोमेंट, एवरी सीन, हर जगह एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों अब हम जिस सिग्नल पर खड़े हुए हैं और हमारे उधर जो आप एक पोपली ज्वेलर्स देख रहे हो, ये वही शॉप है जहाँ पर सनी देओल सर आते हैं जूही चावला जी के साथ में कुछ ज्वेलरी लेने आते हैं और उनकी शादी के लिए। और उसी फिल्म में उनकी अंगूठी फंस जाती है उनकी एक फिंगर में, फिर उनको वो कट करके निकालते हैं। तो दोस्तों आज हम वो लोकेशन पर आपको लेके आए हैं और आपको हम दिखाएंगे वो लोकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जगह देखिए, ये यहाँ पर मेरा हेलमेट रखा है। ये जो आप जगह देख रहे हो, ये अब से 29 साल पहले भी फिल्म में दिखाई गई है, आप देख सकते हो ये नीचे दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हो, ये भी दिखाई गई है। तो करीब 29 साल पहले यहाँ पर एक सिग्नल लाइट भी लगी हुई थी इसी बॉक्स पर, लेकिन अभी यहाँ पर सिग्नल लाइट नहीं है, सिग्नल लाइट हटा दी गई है और उसको वो साइड लगा दिया गया है। और उधर साइड दिखाओ, उधर साइड लगा दिया गया। पहले हमने देखा है ना कि इसी, ये जो स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हो, यहीं पर वो लगा हुआ था और ये भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों इस जगह पे शाहरुख खान सर खड़े होते हैं जहाँ पर फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ। ये जो आप मेरे पास पीपल का पेड़ देख रहे हो दोस्तों, ये पीपल का पेड़ पहले थोड़ा पतला था, अभी आपको थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। यार 30 साल में इतना तो बड़ा होना बनता ही है दोस्तों। 1993 की फिल्म थी और अभी 2022 भी ख़त्म होने वाला है, शूटिंग होके तो 30 साल हो ही चुके होंगे। हमने देखा ये अभी भी ऐसा ही है, ये जहाँ पर हेलमेट रखा ये, लेकिन ये थोड़ा पेड़ मोटा हो गया दोस्तों। शाहरुख खान सर का एक फ़ोटो है, वो इस जगह पर खड़े रहते हैं, ये एंगल में सीन होता है, मतलब आधी स्क्रीन में आपको ये पेड़ दिख रहा है और आधी स्क्रीन में वो दिख रहा है, वो जैकेट वगैरह एकदम यहाँ पर यंग एज में थी वो टाइम पर जब वो यहाँ पर खड़े थे। तो ये वो पेड़ है जहाँ पर आप डर फिल्म में शाहरुख खान सर खड़े होके गोली मारते हैं। लेकिन दोस्तों पेड़ बड़ा हो चुका है, जो स्क्रीन शॉट आप देख रहे हो ये वही पेड़ है जो आपको स्क्रीन शॉट में दिख रहा है। आइए मैं आपको एक दो चीज़ और दिखाता हूँ, अभी आप थोड़ा सा पीछे होके दिखाओ। अगर आपने देखा होगा तो बहुत, जब एक जगह सीन दिखाते हैं कि एक सीन में वो शोरूम दिखता है दोस्तों, जो आप शोरूम देख पा रहे हो वही शोरूम दिखता है और यहाँ पर ये मोती महल दिखता है। वो टाइम पर यहाँ पर मोती महल बना हुआ था, मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप का जगह बनी हुई थी, लेकिन हम तो फिल्म के करीब 30 साल बाद यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब हो सकता है कि बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 29 से 30 साल बाद आए और हमको काफ़ी चीज़ें सेम देखने के लिए मिली हैं और कुछ चीज़ें अलग मिली हैं।
पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है और यू नो बाजू में जो बिल्डिंग थी मोती महल की वो बिल्डिंग भी नहीं है अभी। अगर आप उधर वो देखोगे ज्वेलरी की शॉप पोपली, तो पहले यहाँ पर फ्रंट में इसको अभी मार्बल का डिज़ाइन लगा दिया गया है, लेकिन पहले मार्बल का डिज़ाइन नहीं था। बाजू में जो आप दो विंडो ऊपर की देख रहे हो वो दो विंडो पहले भी थी और आज भी है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये ज्वेलर की दुकान वही है, वही स्ट्रक्चर है, लेकिन बस थोड़ा सा मार्बल का फ्रंट में काम किया गया है। दोस्तों ये जगह मुंबई के बांद्रा वेस्ट में है, पोपली ज्वेलर्स करके गूगल पर फेमस है दोस्तों। अगर आप कभी भी यहाँ पर आना चाहते हो तो बड़े ही आसानी से आप आ सकते हो। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। दोस्तों शाहरुख खान सर उस फिल्म में जूही चावला जी के लिए पागल रहते हैं, उनकी मोहब्बत उसमें एक अलग ही लेवल की दिखाई है, पता नहीं कौन से लेवल की मोहब्बत है वो। तो दोस्तों उस फिल्म के सारे सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये जो बिजली का बॉक्स आपको दिख रहा है, ये बिजली का बॉक्स आप स्क्रीनशॉट में नहीं देख पा रहे हो। आप अगर स्क्रीनशॉट से इस जगह को मैच करोगे तो आपको ये बिजली का बॉक्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो स्ट्रीट लाइट आपने देखी है और नीचे ये यू नो ये वाला पाइप देखा है, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी ये लोकेशन एक डर फिल्म की? दोस्तों डर फिल्म, अंजाम फिल्म, ये सब मेरी फेवरेट फिल्म में से एक फिल्म है दोस्तों। और इनमें उन्होंने एक ऐसी एक्टिंग की थी कि उनकी एक्टिंग की एक अलग ही बात थी। दोस्तों जब वो यू नो शाहरुख खान सर यहाँ पर इस झाड़ के पास खड़े हुए होते हैं, ये जो आप झाड़ देख रहे हो यही पेड़ है वो जहाँ पर वो खड़े हुए होते हैं, और बंदूक का निशाना सामने की ओर रखते हैं। तो अगर तुम सामने की ओर देख रहे हो तो ये एक ज्वेलरी की शॉप है। पहले इस शॉप पर इस जगह पर एक फव्वारा चलता था, ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ पर एक फव्वारा चलता था, और अभी वो फव्वारे को हटा दिया गया है दोस्तों। तो जूही चावला, सनी देओल सर ये इधर से निकलते हुए होते हैं और बैकग्राउंड में ये पोपली ज्वेलर्स होता है। दोस्तों ये है वो लोकेशन डर फिल्म की जहाँ पर हम पहुँचे थे। दोस्तों ये जो फ्रेम आप देख रहे हो फिलहाल, इसमें आपको ज्वेलरी का शॉप भी दिख रहा है और ये मोती महल वाली जगह भी दिख रही है। दोस्तों नाम तो आज भी मोती महल ही है इस जगह का, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों। अगर आप इस जगह को देखेंगे तो आज यहाँ पर ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है। दोस्तों करीब 29 से 30 साल पहले मुंबई में ट्रैफिक बहुत कम था, सारे की सारी शूटिंग रोड पर ही हो जाती थी, लेकिन दोस्तों आज रोड पर शूट करना अलाउड ही नहीं होता है, बिकॉज ट्रैफिक को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है मुंबई के अंदर। तो दोस्तों हम आज भी इस जगह पर ये सारी चीज़ों को देख के हमें काफ़ी खुशी हुई है, और ये वही लोकेशन वही सिग्नल है। यहाँ से वो जब उनको गोली मार देते हैं तो सनी देओल सर बाहर आते हैं और शाहरुख खान सर का पीछा करते हैं। तो जब शाहरुख खान सर इस जगह से मतलब वो इधर खड़े रहते हैं पेड़ के पास, यहाँ से सामने की तरफ निशाना लगाते हैं और वहाँ पर एक गिलास टूटता है। तो जब वो कांच टूटता है दोस्तों, तो वो ये पोपली शोरूम का कांच तोड़ते हुए दिखाया है, उनकी गोली से कांच टूट जाता है और वो लोग बच जाते हैं। उनके बचने के बाद सनी देओल सर उधर से भाग के बाहर आते हैं और शाहरुख खान सर का पीछा करते हैं। फिर उसके बाद कैमरा उधर से लिया गया था, उधर वो साइड से जहाँ पर हेलमेट रखा है वो साइड से कैमरा लिया गया था दोस्तों। और एक सीन में थोड़ा पीछे से ये दिखता है, मतलब ये जो आप लाइट देख रहे हो और ये वाली चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ से वो भागते हुए वो साइड में जाते हैं, मतलब यहाँ से वो कुछ इस हिसाब से भागते हैं, और ये रोड जो स्टेशन की ओर गया है वो इधर की ओर भागते हैं। और बहुत सारे सीन तो फिल्म के अंदर इन रोड पर ही भागते हुए का दिखाए हैं, और बाद में कुछ जुहू के सीन दिखाए हैं, हम बाद में आपको वो सारे भी सीन दिखाएंगे। लेकिन जो मेन लोकेशन थी, जो मेन जगह थी जहाँ पर वो यू नो ज्वेलरी लेने आते थे, जहाँ पर वो खड़े होके उनकी को गोली मारते हैं, तो वो सारी जगह यही थी, ये वही सिग्नल था जो आप देख रहे हो। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये पुरानी जगह, ये पुरानी लोकेशन, ये पुराना पेड़ आपने जो देखा है यहाँ पर, आपको देख के बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये फिल्में अपने गांव में देख लिए होंगे, यू नो जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर देख ली होंगी, लेकिन आज हमने सोचा हम आपको एक बात ये लोकेशन दिखाते हैं।
चलिए दोस्तों, हम ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरीथिंग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आप सबको। लव यू ऑल।